कथा तुमको नैमिषारण्य में चल करके सुनानी है और मैं भी साथ चलूंगा। उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा है। अब देखो अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है, एक वर्ष में संपन्न होता है। फिर वही धर्माधर्म की बात आ गई। अश्वमेध यज्ञ इतना बड़ा धर्म है लेकिन अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण कराएगा लेकिन स्वयं यजमान बनकर के ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, उसके लिए वो धर्म नहीं है। इसके लिए क्या धर्म है ये जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों को हम जानने की कोशिश नहीं करते और धर्म के नाम पर बितंडावाद खड़ा हो जाता है। अपने अपने स्वधर्म को जानना ये बहुत आवश्यक है। बार बार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात पर संकेत किया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। अपने अपने स्वधर्म को जान, हमारे लिए क्या धर्म है, सब सबके लिए नहीं है। अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकता, करा सकता है स्वयं नहीं कर सकता। कराने के लिए तो सब यज्ञ ब्राह्मण ही कराएगा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में चल करके कथा सुनानी है, लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके नहीं सुनानी। तब बोले गलियों में घूम घूम करके इस कथा का गायन करना। और वाल्मीकि जी अपनी शिष्य मंडली को लेकर के, कुश और लव को लेकर के नैमिषारण्य पहुंचे। राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, पूरा राज परिवार वहीं नैमिषारण्य में था। और जब राम जी राज्य के कार्य से और यज्ञ के कार्य से निवृत्त होते थे तो ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके भगवान श्री राम सत्संग करते। कुश और लव जब नैमिषारण्य की धरती पर घूम घूम करके कथा सुनाने लगे वीणा बजा बजा करके, तंत्री लय समन्वित। अब राम कथा सुनकर, रामायण सुनकर जितने लोग थे वो सब अभिभूत हो गए और कुश और लव के पीछे पीछे चलने लगे। वो जिधर जाए उधर लोग चल पड़े कथा सुनने के लिए, अपार भीड़ पीछे चलने लगी। तब तक उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे। रथ्या सुराज मार्गेशु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज रघुनंदन ने देखा रथ पर बैठ करके आते हुए, क्या देखा? बोले कुश और लोग आ रहे हैं और हजारों की भीड़ उनके पीछे चल रही। मंत्रियों से पूछा, सबने सारा कारण बताया तो राम जी ने कहा ऐसा करो, इन दोनों कथा व्यास को मेरे दरबार में बुलाया जाए और वहां पर ये कथा सुनाएंगे और हम सब बैठ करके सुनेंगे। सेवक लोग गए, जाकर के कुछ लोगों से कहा महाराज ने आपको बुलाया। वाल्मीकि जी ने पहले सिखा दिया। वाल्मीकि जी ने कहा था देखो बेटा, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री रघुनंदन का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, वो राजा है, राजा ईश्वर का स्वरूप होता है। अगर वो आज्ञा करें कि मेरे दरबार में आकर के कथा सुनाओ तो उनकी आज्ञा मान लेना और चले जाना, उनका सम्मान करना। और कथा सुनाने के बाद वो दक्षिणा देंगे लेकिन दक्षिणा मत लेना, ये वाल्मीकि ने पहले सिखा दिया, दक्षिणा मत लेना। क्यों दक्षिणा मत लेना? बोले भगवान की कथा सुना करके, भगवान की कथा का अनुष्ठान करके दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, अन्य किसी को नहीं। और ये क्षत्रिय कुमार हैं, अगर ये दक्षिणा ले लेंगे तो इनको पाप लग जाएगा।
कथा सुना करके उसके बदले में दक्षिणा प्राप्त करना, ये मर्यादा केवल ब्राह्मण के लिए विहित है शास्त्र में। और ये क्षत्रिय कुमार हैं, अगर ये दक्षिणा लेकर के कथा सुनाएंगे तो इनको पाप लग जाएगा। लेकिन वाल्मीकि जी ये भी नहीं बता सकते कि तुम क्षत्रिय हो, उनको तो यही पता है कि हम मुनि के आश्रम में रहते हैं, मुनि कुमार हैं। यद्यपि लवकुश को पता है, क्योंकि संकल्प संध्या वंदनादि कर्म में तो वर्मा का उच्चारण करना ही पड़ेगा, अमुक वर्मा हम, परंतु किसके पुत्र हैं ये सब उनको ज्ञात नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा दक्षिणा मत लेना, कह देना गुरु की आज्ञा नहीं। और फिर कुश और लव आए, भगवान श्री राम ने उनको दरबार में बुलाया और कुश लव जब कथा का वर्णन करने लगे तो सभी लोग कथा सुनकर के गदगद हो गए। राम जी भी सिंहासन पर अपने बैठे थे, तो राम जी ने विचार किया कथा तो वक्ता से नीचे बैठ करके सुनना चाहिए। वक्ता के बराबर आसन अगर श्रोता का हो तो श्रोता को पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य नाश हो जाता है, समासनात् पुण्य हानि ही। और वक्ता से ऊंचे आसन अगर श्रोता का हो तो उच्चाच निरयम ब्रजे, वक्ता से ऊपर श्रोता का आसन हो जाए तो सुनने वाला नरक में चला जाता है, पुण्य नहीं है। इसका एक उदाहरण भी है, भगवान श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश अर्जुन को सुना रहे थे तो अर्जुन नीचे बैठ करके सुन रहे थे, लेकिन एक श्रोता जो थे वो ऊपर बैठ करके सुन रहे थे। वो कौन थे? बोले वो श्री हनुमान जी महाराज थे जो अर्जुन की ध्वजा में बैठे हुए। गीता तो भगवान ने सुनाई, हनुमान जी ने भी सुना, लेकिन जब गीता का उपदेश समाप्त हुआ तो भगवान ने कहा आंजनेय, गीता का उपदेश तुमने सुना तो है लेकिन विधि से नहीं सुना। श्रोता को वक्ता से नीचे बैठकर सुनना चाहिए, और अगर इसका प्राश्चित्त तुमने नहीं किया तो यह ज्ञान तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। और भगवान ने कहा इसका प्राश्चित्त करने के लिए तुम्हें पिशाच रूप धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कुछ काल के लिए पिशाच रूप धारण किया, और पिशाच रूप धारण करके उन्होंने गीता का भाष्य किया, पिशाच भाष्य उसका नाम है हनुमान जी, तब प्राश्चित्त। तो वक्ता से उच्च आसन श्रोता का नहीं होना चाहिए। तो राम जी ने विचार किया मुझे भी नीचे चल करके लोगों के बीच में बैठ करके कथा सुननी चाहिए, और राम जी धीरे से अपने आसन से उठे और उठकर वहां आ गए जहां साधारण लोग बैठे हुए। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायताम मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद गतस्सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। सचापि राम परिषद गतः, राम जी अपने मंच से उतरे और उतरकर परिषद गतः जहां साधारण लोग बैठे थे उनके बीच में जाकर के राम जी बैठ गए कथा सुन। ये मर्यादा राम जी से सीखनी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट यज्ञ में दीक्षित हैं लेकिन कथा सुनने के लिए जाकर के साधारण लोगों के बीच में गए, और कितने धीरे से बैठे। बोले जिसके बगल में बैठे उसको भी पता नहीं चला कि मेरे बगल कौन आकर के बैठे। ये राम जी से सीखो। मैं कथाओं में कहता हूं कथा में आओ